इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, और वो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन थी, सोशल ऐसी कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी थी जिनकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन जो है शुरू हुआ, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हमें दो चीज़ कवर करनी है, सोशलिज्म इन रशिया और अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। इन दो चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला है सोशलिज्म इन रशिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914 से पहले जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी रशिया में वो इलीगल थी, क्योंकि उस समय जो है जो वहाँ पर पार्टी जो है जो इस तरह के लॉ बनाए गए थे, इस तरह का नियम था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्हें इलीगल रखा गया था। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो थी वो 1898 में बनी थी सोशलिस्ट के द्वारा, जो मार्क्सवादी आइडियाज़ को फॉलो करते थे, कार्ल मार्क्स के आइडिया को फॉलो करते थे, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये इलीगल जो है ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते थे। इसने जो है अपना न्यूज़पेपर निकालना शुरू किया, जो है वर्कर्स को जो है मोबिलाइज करना शुरू किया और स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। जो सोशलिस्ट थे वो गांव में ज़्यादा एक्टिव थे 19th सेंचुरी में, और उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है 1900 में बनाई थी। उन्होंने पीजेंट्स की राइट के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया और डिमांड करना शुरू किया कि नोबल्स लोगों के पास जो ज़मीन है, उच्च वर्ग के लोगों के पास या जमींदारों के पास जो ज़मीन है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाए, उनको जो है उसमें अधिकार दे दिया जाए। लेकिन जो अदर जो सोशलिस्ट थे वो सोशल डेमोक्रेट्स थे, वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के इस आइडिया से जो है एग्री नहीं करते थे, वो उससे अलग विचार रखते थे। लेनिन का ये मानना था कि पीजेंट जो है एक वन यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, कुछ पीजेंट ऐसे हैं जो काफ़ी पुअर हैं लेकिन कुछ पीजेंट हैं जो काफ़ी रिच हैं, कुछ वर्कर्स तो ऐसे हैं जो लेबर के तौर पर काम करते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी जो है बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो गरीब हैं और एज ए लेबर काम करते हैं, लेकिन कुछ पीजेंट ऐसे हैं जिनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, जिनको जो है कैपिटलिस्ट हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी है, पैसे हैं, और वो अदर वर्कर को अपने यहाँ एम्प्लॉय करते हैं। पार्टी जो है आगे चल के, जो ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी वो आगे चल के अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से दो भागों में डिवाइड हो गई, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक में व्लादिमीर लेनिन थे, जो ये मानते थे कि जो है पार्टी में जो मेंबर हैं वो लिमिटेड होने चाहिए और उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, जबकि मेंशेविक जो थे वो ये मानते थे कि पार्टी ओपन टू ऑल होनी चाहिए, यानी पार्टी में हर व्यक्ति चाहे जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था, उसको ज्वाइन कर सकता था, तो पार्टी को ओपन टू ऑल होना चाहिए, मेंशेविक मानते थे। तो इस तरीके से इन अलग अलग विचारों की वजह से जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी वो दो भागों में डिवाइड हो गई, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। नेक्स्ट हेडिंग है अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत या जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला समय, तो 1905 जो है परेशानी वाला समय था और इसकी वजह से वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, रशिया जो है ऑटोक्रेसी थी, वहाँ पर तानाशाही चलती थी सार निकोला सेकेंड की, और यहाँ पर जो अदर यूरोपियन रूलर जो थे, अदर यूरोपियन कंट्रीज में जो है पार्लियामेंट जो है बनाई जा चुकी थी, लेकिन रशिया में अभी भी जो है सार निकोलस सेकेंड जो है एक मोनार्क के तौर पर रूल कर रहा था, वहाँ पे पार्लियामेंट नहीं बनाई गई थी। लिबरल जो थे रशिया में, उन्होंने जो है स्टेट अफेयर्स को यानी कि स्टेट पावर को ख़त्म करने के लिए, यानी कि मोनार्क की जो पावर है उसको ख़त्म करने के लिए जो है कैंपिंग करना शुरू किया, सोशल डेमोक्रेट सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी और पीजेंट और वर्कर लोगों के साथ मिलकर उसने 1905 में रेवोल्यूशन करना शुरू किया, डिमांड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हुए 1905 में लिबरल्स ने जो है मूवमेंट करना शुरू किया। देवर सपोर्टेड इन द अम्पायर ऑफ नेशनलिस्ट, उन्हें जो है ऐसे जो है अम्पायर ऐसे देशों से भी सपोर्ट मिल रहा था जहाँ पर जो है नेशनलिस्ट रहते थे या मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जो था उनके द्वारा जो है उनको समर्थन दिया जा रहा था, ताकि जो है इस्लाम जो है मॉडर्न इस्लाम और को और ज़्यादा प्रचार किया जा सके और ऐसी सोसाइटी बनाई जा सके जहाँ पर मॉडर्न इस्लाम द्वारा जो है लीडरशिप की जा रही हो।
1904 जो है पर्टिकुलरली जो है रशियन वर्कर के लिए बहुत ही बैड वर्क समय था, बहुत ही बुरा समय था। प्राइसेस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से वर्कर की जो रियल वेजेस थी यानी कि जो रियल इनकम थी वो 20% तक कम हो चुकी थी। अब उतने ही पैसे में उन्हें पहले से ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उनका जो कंजप्शन लेवल है वो पहले से कम हो चुका था, रियल वेजेस डिक्लाइन कर गई थी। तो इसकी वजह से जितने भी वर्कर एसोसिएशन थे उसमें तेज़ी से वर्कर्स की संख्या बढ़ रही थी। और 1904 में पुटिलॉव आयरन वर्क्स जो है इंडस्ट्री जो थी वहाँ से 4 रशियन जो है वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है जितने भी वर्कर्स एसोसिएशन के जो मेंबर थे उन्होंने जो है एक्शन लेने का डिसीजन लिया और उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अगले कुछ सालों तक कुछ दिनों तक जो है 110,000 वर्कर्स जो हैं उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया वर्किंग डेज में रिडक्शन करने का, वर्किंग आवर में रिडक्शन करने का, वेजेस को इंक्रीज करने का और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने का डिमांड करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो प्रोसेशन वो लोग पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे फादर गुपिन की जो है लीडरशिप में, और ये प्रोसेशन जब विंटर पैलेस पर पहुँचती है तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा उसमें अटैक कर दिया जाता है, जिसमें 100 से ज़्यादा वर्कर मारे जाते हैं और 300 से ज़्यादा जो है वर्कर जो है घायल हो जाते हैं, जिसे ब्लडी संडे भी कहा जाता है। ब्लडी संडे के बाद कुछ ऐसी सीरीज ऑफ जो है ऐसे जो है सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं, ऐसी तरह जो है घटनाएं हुई जिसकी वजह से उसे 1905 का रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उसकी वजह से पूरे कंट्री में जब ये वर्कर्स मारे गए तो पूरे कंट्री में के लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया, मोर कॉलेज से जो है वॉकआउट कर गए। उन्होंने लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज का जो है डिमांड की वजह से लैक ऑफ सिविल लिबर्टी की कंप्लेन करके उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, मिडिल क्लास वर्कर जो हैं उन लोगों ने भी स्ट्राइक करना शुरू किया और यूनियन बनाकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करना शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने के बाद 1905 में सार निकोलस जो हैं कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जिसका नाम डुमा था, उसकी परमिशन उन्होंने दे दी। कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का मतलब है कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो पार्लियामेंट की कंसल्ट करके ही लिया जाएगा, पार्लियामेंट के कंसल्टेशन के बाद, यानी कि जो भी अब सार निकोलस अपने आप जो है कोई डिसीजन नहीं लेगा, वो पहले सारा जो है पार्लियामेंट में डिस्कस करेगा और पार्लियामेंट के मेंबर उसको सपोर्ट करेंगे तो ही वो डिसीजन ले सकता है। तो इस तरीके से कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का जो है उसने बनाने की जो है परमिशन दे दी। लेकिन 1905 में जो है जब ये पार्लियामेंट बनाई गई तो सबसे फर्स्ट दुमा जो थी उसे 75 डेज में ही डिसमिस कर दिया गया। फिर दोबारा से दुमा जो है बनाई गई और उसे 3 महीने के बाद फिर सार निकोलस ने डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस कर दिया? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पावर में किसी भी तरीके का रिडक्शन किया जाए या उससे कोई भी सवाल किया जाए। वो क्वेश्चनिंग पसंद नहीं कर रहा था, ना उसके पावर में रिडक्शन, ज़रा भी रिडक्शन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इस वजह से उसने सेकेंड दुमा को भी 3 महीने बाद जो है डिसमिस कर दिया। दोबारा उसने थर्ड दुमा जो है बनाई और उसमें जो है कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस मेंबर जो थे सिर्फ उनके द्वारा ही, यानी कि जितने भी मेंबर रखे गए थे दुमा में वो सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे, और उसने एक दुमा बनाई थर्ड दुमा, इसमें लिबरल्स और रेवोल्यूशनरी को एंट्री नहीं दी गई, उन्हें दुमा से बाहर रखा गया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।